हाँ, पे एक बहुत बड़ी इवेंट का आयोजन किया है। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ग्रेटरी ऑफ पुलिस फोर्स जो हमारे साथ सैयद अकबर जी सर, सो सर इस प्रोजेक्ट के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि 75 साल पूरे होंगे तो कुछ ना कोई कार्यक्रम हम करेंगे। पिछले 2 साल से GIP में कोई बड़ा इवेंट नहीं हो रहा था क्योंकि कोविड का माहौल चल रहा था, तो ये मौका हमारे हाथ आया और हम इस तरह के मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो पुलिस से जुड़ा हो या हमारी संस्कृति से जुड़ा हो, हम उसका आयोजन करें और जो लोग यहाँ पर आते हैं तो शॉपिंग के अलावा उनको कुछ और मिले, उनके साथ आए बच्चों को कुछ सीखने को मिले, कुछ संस्कार को बारे में। तो इस करके आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं 75 साल पूरे में आज़ादी का अमृत महोत्सव आपके सामने हम लोग। आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगी क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव, सच बोलूँ तो मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मैं भी इसमें हिस्सा लूँगी। आज यहाँ जो भी क्राउड आए सबको बहुत अच्छा लगा, कहीं ना कहीं इन बच्चों ने आज़ादी क्या है और आज़ाद होने का फीलिंग क्या है उसका एहसास दिलाया है। एंड ग्रेट इंडिया प्लेस के लिए अगर कहूँ तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। नोएडा में कितने मॉल्स हैं, उसमें सबसे पहला मॉल ये है ग्रेट इंडिया प्लेस, जहाँ पे क्लासिकल डांसेस को प्रमोट किया गया और अभी लगातार चली रहे। आपने भी आज देखा बहुत सारे इवेंट्स हुआ है, क्लासिकल था उसमें, फोक था एंड मार्शल आर्ट्स, ऐसे हर तरीके से लोगों को एंटरटेनमेंट करने का कोशिश किया है। एंड वो स्पेशल क्रेडिट गोज़ टू श्री शमी मनवर जी, और मैं तहे दिल से नोएडा वालों की तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहूँगी, साथ में अपने 10 न्यूज़ को भी। एंड मैम आपको कहना चाहूँगी? मैं तो बहुत कुछ कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो वही सर देखा कि हमारे समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मेरे लिए बहुत मायने रखता है दी ग्रेट इंडिया प्लेस में, क्योंकि कोविड से पहले 26 जनवरी का प्रोग्राम हमने यहाँ पर किया था, उसके बाद एक लंबा 2 साल का ब्रेक आया और हम लोग कोविड की वजह से कार्यक्रम नहीं कर पाए, सारी जगह बंद है, और आज 15 अगस्त को दी ग्रेट इंडिया प्लेस में फिर से उसकी शुरुआत हुई है। मतलब मैं अपने प्रोग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे जो लास्ट परफॉर्मेंस था 26 जनवरी 2020 और अभी 15 अगस्त फिर से जो शुरू हो रहा है 15 अगस्त के लिए आज़ादी का महोत्सव है 2022, तो ये जो एक लंबा था इतना अंतराल था, हम उसको मिस कर रहे थे, ट्रक कहीं बिखरे हुए थे, तो आज शमीम जी ने उन सभी रंगों को फिर से एकत्र किया यहाँ पे और लोग यहाँ से बहुत कुछ लेके गए हैं। आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ की अपने दिलों में अपने भारत देश के प्रति जो प्रेम है और जो आज़ादी की भावना है उसको साथ में लेके गए हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, तहे दिल से सैयद शमी मनवर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़े प्रोग्राम में आज़ादी के महोत्सव में जैसे कभी काफ़ी प्रोग्राम करते हैं अलग अलग संसद स्टेटों में, ये आज अमर के अवसर में सर उनकी कलर साहब का अमर कलर के कलर कैमरा कैमरा इसी अवसर में लोगों को पब्लिक को भी अच्छा लगा, पब्लिक भी इसे इस तरह के भारत में अलग अलग कलर थे, सबसे ज़्यादा कलर थे भारत में, आज पब्लिक वो भी मौका मिला अलग कलर देखने में मास्टर से, कई लोगों को पता नहीं केरला मास्टर आर्ट्स ऐसा भारतीय युद्ध कला के बारे में लोगों को भी जानकारी आज मिला के ऐसे अवसर के सब पेज में। सो जैसे आज यहाँ पे इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत सारे जैसे नित्य चैतन्य कलरी और ज्ञानेश्वर इंस्टीट्यूट और त्यागराज इंस्टीट्यूट, इनके बाल कलाकारों ने एवं युवा कलाकारों ने बहुत अच्छा प्रस्तुति दिखाई है जहाँ पे कई लोग मौजूद थे।